हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग आर के अलर्ट न्यूज़, जहां आज मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के 130 पदों पर जो वैकेंसी निकली है उसकी टोटली अपडेट मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या नोटिफिकेशन हाल ही में जारी हुआ है। बात करेंगे हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उससे संबंधित, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उससे संबंधित एलिजिबिलिटी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ीस, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर 130 वैकेंसी निकली हैं। साथ में इसका जो नोटिफिकेशन है 25 जून को रिलीज किया गया था और 25 जून से ही आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 25 जून ही रहने वाला है। साथ ही बात करें तो इसका जो क्लोजिंग डेट था जो कि पहले 23 जुलाई था उसको एक्सटेंड करके अब 26 जुलाई कर दिया गया है। बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की जो कि रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। साथ ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें तो इसमें जो नेम ऑफ द पोस्ट स्पेशलिटीज असिस्टेंट प्रोफेसर जो दे रखी है वो क्या क्या है वो उसमें मेंशन किया गया है। ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थेजियोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन और जनरल सर्जरी, टीबी चेस्ट, न्यूरो सर्जरी, पैथोलॉजी, इस प्रकार से कुल मिलाकर 32 तरह के इसमें पद दिए गए हैं जिन पे ये वैकेंसी निकली है। साथ ही यदि हम बात करें तो इसके जो इनिशियल पे की वो 68,900 रुपये रहने वाला है। आगे यदि हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी की तो एलिजिबिलिटी के अंतर्गत MD और MS एनेस्थेजियोलॉजी के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन से जूनियर स्नातक स्तर के छात्रों द्वारा जूनियर रेजिडेंट, रजिस्ट्रार, डेमोंस्ट्रेटर, ट्यूटर का 3 वर्ष का कोर्स होना अनिवार्य है। साथ ही 1 साल का अतिरिक्त अनुभव होना अनिवार्य है। आगे यदि हम इसमें बात करें इसकी एज लिमिट की जो कि मिनिमम 26 साल रहने वाली है और मैक्सिमम है वो 40 साल रहने वाली है। आगे इसमें यदि फीस की बात करें जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस रहने वाली 105 रुपये, वही अदर बैकवर्ड के लिए भी 105 रुपये, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 65 रुपये, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है 65 रुपये, हैंडीकैप्ड के लिए है जो 25 रुपये मात्र यहाँ पे फीस रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस जो बेस्ट होगा वो रिटर्न एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से होने वाला है। बात करें कि आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं तो आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको आगे भी मेंशन दी होगी यहाँ पे नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट में, यहाँ जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। उम्मीद है जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।